हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे और खूब काचे काट रहे होंगे तुम लोग। तो भाई जी, कहने का तात्पर्य यह है कि भाई मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मैं डेली इशू को लेने के लिए दिल्ली जाता हूँ। डेली तो नहीं, मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन, बट यार दिल्ली जाना एक बहुत ही टफ काम है क्योंकि जाम रहता है ना इतना ज़्यादा। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है डेली दिल्ली जाने का। पर वीशु उस बात को कुछ समझती नहीं है। वो सोचती है कि ऐसी हवा में उड़ के आ जाते हैं। भाई अरे हवा में नहीं उड़ते आप लोग बताओ भाई, दिल्ली जाना इतना इजी है कोई? दिल्ली जाना बहुत टफ है जी, बहुत ज़्यादा टफ। और जबकि जाम लग रहा है कि घंटे का कभी कभी, तो वैसे जाम कभी कभी मिलता है नहीं है, कभी कभी बहुत तगड़ा जाम मिल जाता है। कल मिला था बारिश में बहुत तगड़ा जाम, तो 2 घंटे लग गए थे जाने जाने में। तो भाई मैं जा रहा हूँ विशु को लेने के लिए। विशु के वहाँ पे ना हॉस्पिटल में कोई आज फंक्शन है, तो विशु ने ना कुछ तगड़े कपड़े पहने हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने क्या पहना हुआ है आज, जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकती पहनने के लिए। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ये टेक्निक उसके अंदर दिमाग में कहाँ से। चलो दिखाते हैं आपको। तो भाई यार जहाँ देख रहा हूँ ना वहीं पे लंगर लगे हुए हैं, पानी पिला रहे हैं सब लोगों को रोक रोक के ना। अभी थोड़ी देर पहले पता क्या हुआ, एक मेरे सामने वाली गाड़ी वाले रोक लिया, जबरदस्ती रोक लिया भाई वो। चलो अब रोक लिया तो उनको पानी पिलाने लगे। अब एक बंदे की वजह से भाई पूरी पीछे तक तो लाइन लग गई ना गाड़ियों की। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर किसी को भाई ऐसे पानी पीना है, देखो यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, तो भाई किसी को भी अगर पीना है पानी तो भाई अपना साइड में गाड़ी लगाओ। साइड में गाड़ी लगाने के बाद आराम से जितना आपको पानी पीना है, 1 गिलास 2 गिलास 10 गिलास 15 गिलास, जितने भी आपको पानी पीना है भाई साइड में गाड़ी लगा लिया करो और भाई पी लिया करो, ताकि पीछे पीछे जो इंसान है ना उसको थोड़ी बहुत भी टेंशन ना हो, दिक्कत ना हो। क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान ना पीछे बैठा बैठा गाड़ी में, इंसान हो जाता बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी पानी वानी पीते हैं भाई, पीते हम भी हैं बट साइड में लगा के पीते हैं, ऐसे परेशान नहीं करते पब्लिक को। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है भाई, बीच में गाड़ी और भाई आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो भाई सुबह से कम से कम 50 देख ली अब तक। आज कुछ है, कुछ एकादशी है आज, सबसे बड़ी एकादशी है मैंने सुना है, तो आज उसके चक्कर में शायद ये सब लगवा रहे हैं, रूह अफजा वाला पानी लगवा रहे हैं सब, रूह अफजा वाला। चलो हम भी लगवाएंगे कभी, बहुत जल्दी हम भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। ब्राइटनेस करने से देखो क्या होता है, काले को पूरा कर देगी ब्राइटनेस। तो भाई एम्स कैफेटेरिया में पहुंच चुके हैं, यह है एम्स का कैफेटेरिया। और अब जा रहा हूँ मैं विशु के यहाँ पर, जहाँ पे विशु काम करती है। देखो ऑटोमेटिक गेट खुल गए हैं और सामने खड़ी है विशु। विशु मुझे कुछ देना चाहती है। ये क्यों? ये हिमा को दे दो। ये भाई अट्टी सट्टी चल रही है, ठीक है, शादी होने के बाद भी अट्टी सट्टी वो चल रही है। चलो कैसा लगा यहाँ का रिटायरमेंट? ओहो आप फोटो ले रहे, वीडियो ले रहे? वीडियो चलो आ जाओ। फंक्शन अटेंड करके आपको कैसा लगा? आज का फंक्शन अटेंड करके मेरे को ऐसा लगा, हाँ, जैसे खिलता गुलाब जैसे ओ गॉड ओ गॉड।
पता आपको कुछ सालों के बाद जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो फिर मेरी रिटायरमेंट भी होगी तो आपको भी बुलाएंगे फिर कुछ सालों के बाद। हाँ वैसे बात तो सही है, कुछ सालों के बाद बूढ़ी तो हो ही जाओगी। अरे यार मतलब बहुत सारे सालों के बाद। आपने पहले जो पहली बार में जो बात निकलती है वो सच निकलती है बिल्कुल। सो जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और जब मेरी रिटायरमेंट होगी तब मेरे हस्बैंड को बुलाया जाएगा स्पेशल गेस्ट यू नो या और सबसे अच्छी बात है बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सो आज का जो रिटायरमेंट था उनके पूरी फैमिली मेंबर्स आए थे, हस्बैंड फैमिली मेंबर्स ब्रदर सिस्टर सब लोग, और उनके लिए स्पेशल वीडियोस बनाए थे उनके फैमिली मेंबर्स ने जो कि अब्रॉड में हैं तो उन्होंने उनके लिए वीडियोस भी बनाए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 मज़ा आया। और आपको फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने डांस नहीं किया है? मैंने डांस नहीं किया, मुझे बहुत दुख है इस बात का। आपको? मुझे भी बहुत खुशी है एक बात की पर मैं वो बता नहीं सकता आपको। किसी आपको तो बता सकता हूँ पर और घर किसी को नहीं बता सकता। ओके फाइन। कि आपने डांस किस लिए नहीं किया? सो आज मैं डांस नहीं किया, सब लोग पूछ रहे थे बेचारे, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एनी हाउ बहुत मजा आया आज। सो अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, ड्यूटी तो ओवर हो गई है और मैम भी रिटायर होकर घर जा रहे हैं उनका। तो अब हमारे जो ब्लॉग्स होंगे ना वो 20-20 मिनट के 15-15 मिनट के होंगे तो आराम से बैठ के देखा करो भाई। अब प्रॉपरली 20-20 मिनट के व्लॉग्स बनाए करेंगे हम, अब छोटे मोटे व्लॉग्स का मतलब नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मजे लो, एंजॉय करो खूब लाइफ को हमारी तरह जैसे हम करते हैं, आप भी करो। तो भाई धक्का खाते खाते बहुत टाइम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं सबवे पे, नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं। ये सबवे, मेरी मोहतरमा साड़ी पहने। तो भाई रात के बज गए हैं 8:20 हो रहे हैं रात के और अभी तक हम दिल्ली की गलियों में एम्स के आसपास ही घूमे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम वर्क, सम रीजन दैट वी कांट शेयर राइट नाउ। हाँ तो उसके चक्कर में एक बहुत ही बड़ा एक वो है कारण है उस चीज का, वो सीक्रेट है, वो हम आपको अभी और बताएंगे किसी दिन, मे बी इन नेक्स्ट व्लॉग और अनदर वन। तो ऐसे ही बने रहिए, थक गए मतलब कि हालत बिल्कुल ना बेकार हो चुकी है मैडम। तो भाई सैल्यूट टू दिस मैडम, ये भाई बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है, इतनी मेहनती लड़की कि भाई मैंने नहीं देखी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दिल्ली में इतना ट्रैफिक क्यों है, इतना ट्रैफिक। ट्रैफिक और भाई बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा दिल्ली में। अब जा रहे हैं हम अपने घर वापस, चैन की नींद लेने। और एक और चीज़ बताऊं भाई मैं आपको, बहुत तगड़ी क्या? मैं बहुत जल्दी अपने नए घर का व्लॉग लेके आने वाला हूँ आपके सामने। हाँ। हम बहुत एक्साइटेड हैं उस चीज़ के लिए, बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड। वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। सीट बेल्ट लगा लीजिए आप दिल्ली के। तो सीट बेल्ट लगानी है भाई, रूल रेगुलेशन का पालन करना, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया है कि भाई मैंने उसका साइलेंसर चेंज करवा दिया है। शौक हो गया, उन्होंने अपनी बुलेट का साइलेंसर निकलवा के नॉर्मल साइलेंसर लगवा लिया। थैंक गॉड, थैंक यू, मेरे कान फटते थे उससे वरना। आपके तो कान ही फटते थे लोगों की तो। अच्छा खैर छोड़ो। तो भाई साइलेंसर चेंज करवा लिया है और दूसरी बात ये कि अब मेरे को सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए पकड़ने। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आज रिटायरमेंट था, ऑलरेडी दिन में थके हुए थे और अब शाम को भी हमने कुछ काम अपना कंप्लीट किया है, उसकी भी थकावट हो रही है। अब बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से घर पहुँच जाऊँ और सो जाऊँ, रेस्ट करूँ। खाना वगैरह तो हमने खा लिया है, बस अब जाएंगे और रेस्ट करें। सो अगर आप हमारे ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं तो कृपया करके हमारे ब्लॉग्स देखते रहें और भाई फॉलो सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहो जैसे कर रहे हो ना। आई लव यू सो मच। प्लीज 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 मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, विशाली शर्मा ऑफिशियल करके मेरा चैनल है। हाँ थोड़ा सा स्टडी मटेरियल डलता उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आप फॉलो करो प्लीज। फिर भी फॉलो करो भाई, इनकी इतनी फॉलोइंग क्यों है यार, मेरी क्यों नहीं है? हो जाएगी, धीरे धीरे होगी।
चलो जो भी है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। बच्चा।